हेलो एंड वेलकम। ई बेस इजी बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एस्टीमेट किस तरह से बनाया जाए। ये जो आप सामने देख रहे हो ये इजी बिलिंग का डैशबोर्ड है। एस्टीमेट बनाने के लिए आपके सामने जो राइट साइड में ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर मैं सेल बिल, इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करके एस्टीमेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेल बिल वाले ऑप्शन में जाते हैं। सेल बिल यहाँ पर हम लोग खोल दिया है। ठीक है, इसके बाद में से ये जो आप यहाँ पे बिल टाइप जो देख रहे हो यहाँ पे, इसमें से हम लोग एस्टिमेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको एस्टिमेट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये एस्टिमेट सेलेक्ट होने के बाद में से यहाँ पे हम लोगों ने डेट ले लिया है, आज का डेट आ गया है। जिस पार्टी को एस्टिमेट देना है या कैश में देना है तो उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस ले लिया है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का हमको एस्टिमेट देना है वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। एक मोबाइल फ़ोन ले लिया यहाँ पर मैं, उसका रेट आ गया। दूसरा पेन ड्राइव ले लिया, उसका रेट हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, दो प्रोडक्ट हमने ऐड किए हुए हैं, और भी ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंट निकालना है हमको, तो यहाँ पर सेव बिल में हम लोग क्लिक करेंगे। सेव प्रिंट, ये आपका एस्टिमेट यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है। इसका प्रीव्यू हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, आपका एस्टिमेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। कंपनी का नाम यहाँ पे, एस्टिमेट आपका टाइटल आ चुका है। उसके बाद में से जिस कस्टमर ने एस्टिमेट लिया उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है। जो प्रोडक्ट हमने सेल किया हुआ, सॉरी एस्टिमेट में जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है। और नीचे में इसका इस तरह से डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हमने ई बेस में देखा कि एस्टिमेट को किस तरह से बनाया जाए। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।